असल मायने में गाड़ी चलाने का मजा लेना है ना, तो सेडान से ज्यादा कोई आपको गाड़ी चलाने का मजा ऑफर नहीं कर सकती। पहले वर्टस ले लो या फिर अपनी वरना ले लो। वरना को तो अपन सब बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं, लेकिन जहाँ पर वर्टस की बात आती है, आजकल जो है थोड़ा सा ये जर्मन कार्स जो है एक अलग प्यार मोहब्बत जो है इनको अभी मिल रहा है, ग्रैब कर रही है। और कहीं ना कहीं अगर अपन वरना की बात करें तो 1.5 लीटर के इंजन के साथ आती है, 4-सिलेंडर इंजन, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर इंजन हो जाता है वॉक्सवैगन और अपनी स्कोडा से, इन टर्म्स ऑफ रिलायबिलिटी ले लो या फिर मेंटेनेंस वगैरह की बात कर लो। तो जो थोड़ी सी जर्मन इंजीनियरिंग होती है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग होती है, थोड़ा मेंटेनेंस और ज़्यादा प्यार से उनको चाहिए होता है। लेकिन वहीं पर अगर बात कर लें इस वरना की, तो भाई बढ़िया तरीके से रिजिड तरीके से भी आप चलाओगे तो भी इनकी इंजीनियरिंग ऐसी है कि ज़्यादा मेंटेनेंस गाड़ी नहीं मांगती। गाड़ी में रैटलिंग नॉइज़ वगैरह आपको नहीं आने वाली, 5 साल ले लो चाहे 10 साल ले लो। तो बहुत सारी चीज़ों का फैक्टर का इन सब चीज़ों के अंदर पता पड़ता है, फर्क पड़ता है। तो भैया जय श्री राम सभी को, मेरा नाम है शीश और स्वागत करता हूँ आपका आज की इस वीडियो में, जहाँ पर आज की इस वीडियो में अपने पास है Hyundai वरना का SX ऑप्शनल वेरिएंट IVT के साथ। अगर ये बिना IVT के मैनुअल के अंदर लोगे तो 14,70,000 रुपये की इसकी एक्सशोरूम कीमत है। लेकिन वहीं पर अगर आप IVT जो आप पीछे मेरे देख रहे हो तो 16,23,000 रुपये की इसकी एक्सशोरूम कीमत है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को कर लो सब्सक्राइब, हाथ में हमारे है चाबी। और सब्सक्राइब करने के बाद आपको क्या फायदा होगा, वेल 1,00,000 सब्सक्राइबर पर करने वाले आईफोन का गिव अवे। तो अगर आप लकी विनर बनना चाहते हैं जिसको आईफोन मिले तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो भैया, देर किस बात। तो भैया शुरू करते हैं चाबी से। तो यहाँ पर ऐसी कुछ आपको चाबी देखने को मिल जाती है, लॉक अनलॉक का फंक्शन देखने को मिल जाता है, होल्ड करके गाड़ी स्टार्ट कर सकते हो और इस होल्ड के बटन को दबाने से आपकी गाड़ी का बूट जो है अनलॉक होकर ओपन हो जाएगा, हालांकि बंद आपको वो फिर मैनुअली करना पड़ेगा। वेल उसी के साथ फ्रंट लुक की यहाँ पर अगर अपन बात करें तो देखो शुरू में जब वरना को Hyundai ने लॉन्च करा था ना, तो यार ये लुक थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था यार वरना में ये जो है क्या चेंजेस आ चुके हैं, फ्लूडिक वाली ज़्यादा बढ़िया थी, उसके बाद वाली नेक्स्ट जनरेशन वरना जो है वो ज़्यादा बढ़िया थी। लेकिन अब जो है धीरे धीरे टाइम के साथ में बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन अपन को देखने में लग गया, साथ ही साथ जो है सुंदर भी गाड़ी जो है काफ़ी ज़्यादा देखने में लगने लग गई है। अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो पहले से ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ा भी है, लेकिन लंबाई भी उसी के साथ में आपको बढ़ती हुई नज़र आ रही होगी। इसके मेन कॉम्पिटिशन वर्टस और स्लाविया से कंपेयर करें अगर इसकी लंबाई, तो ये गाड़ी थोड़ी सी कंपैरेटिवली कम लंबी है उन गाड़ियों से, कहीं ना कहीं उस चीज़ की एडवांटेज इसकी ग्राउंड क्लियरेंस को भी मिल जाती है। वैसे तो 179mm की ग्राउंड क्लियरेंस आपको स्लाविया और वर्टस के अंदर देखने को मिल जाती है, इसके अंदर 165mm की मिलती है। लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो थोड़ी सी उनसे थोड़ी सी 19-20 का फर्क आपको कम मिल जाएगी, तो इसलिए थोड़ा सा एडवांटेज इसको ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में वहाँ पर मिल जाता है, मतलब बराबर सा आप जो है ओवरऑल चीज़ें यहाँ पर ले सकते हो। वैल्यू के साथ में 1.5 लीटर का इंजन आपको देखने को मिल जाता है। टर्बो वेरिएंट अपना प्रोड्यूस करता है 160 PS की पावर, वहीं पर अगर नेचुरली एस्पिरेटेड 1.5 लीटर इंजन की बात करूं तो वो 113 PS की पावर जनरेट कर देता है, जो कि काबिले तारीफ हो जाती है भैया इस सेगमेंट की गाड़ी के लिए। और कहीं ना कहीं अगर पावर के मामले में बात करूं ना, तो जिन लोगों को माइलेज चाहिए ना वो 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड ले सकते हैं, और जो थोड़ा सा माइलेज में कॉम्प्रोमाइज करके ड्राइविंग उनको एकदम एंथुसियाज्म वाली ड्राइविंग चाहिए तो फिर भैया आपको जाना चाहिए टर्बो वेरिएंट के अंदर। उसके साथ आपको DCT गियरबॉक्स मिल जाता है ऑटोमेटिक के अंदर, मैनुअल भी आपको मिल जाता है, हालांकि मैनुअल अब जो है GT के अंदर वर्टस वगैरह में आपको देखने को मिलने लग गया, लेकिन पहले उसके अंदर देखने को नहीं मिला करता था। इसके अंदर शुरू से आपको ऑटोमेटिक और अपना मैनुअल दोनों देखने को मिल जाते हैं। बाकी उसी के साथ में IVT आपको मिलने वाला है नेचुरली एस्पिरेटेड के अंदर, मतलब बेसिकली डिज़ाइन इसलिए करा गया है जिससे आप एलिगेंट ड्राइविंग, एक सिंपलिस्टिक बढ़िया जो कंफर्ट ओरिएंटेड ड्राइविंग है वो आप कर सको, बढ़िया माइलेज इस गाड़ी के साथ निकाल सको। वेल उसी के साथ में यहाँ पर DRL आपको देखने को मिल जाते हैं, जो देखने में आपको ऐसा नहीं लगेंगे कि यार एकदम लाइट विजिबल है अंदर वगैरह की, एकदम आपको क्रिस्टल जो है यहाँ पर नजर आने वाले हैं, जो देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। यहाँ पर सेंटर के अंदर भी जो आप DRL देख पा रहे हो पूरी कनेक्टेड आपको देखने को मिल जाएगी, Hyundai का लोगो आपको इधर की तरफ देखने को मिल जाता है, पियानो फिनिश आपको ग्रिल इसके अंदर देखने को मिल जाती है, यहाँ पर आपको रेडार देखने को मिल जाता है, ADAS का आपको पूरा प्रोविजन इधर दिया गया है गाड़ी के अंदर, और 17 आपको ADAS के साथ साथ वार्निंग्स देखने को मिल जाती है। वेल उसी के साथ में यहाँ पर आपके पास जो है सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं फ्रंट के लिए, और इधर आपके पास एरोडैम्स देखने को मिल जाते हैं जो कि थोड़े बहुत कवर्ड हैं, इसे इजीली दिखते नहीं है यहाँ पर, लेकिन LED लाइट्स इसकी बहुत ज़्यादा बढ़िया देखने को मिल जाती है। आपको जो है यहाँ पर ब्लाइंड स्पॉट वाला जो है लाइट देखने को मिल जाता है, जैसे कोई टर्न वगैरह लोगे तो वहाँ पर आपको जो है लाइट वगैरह ऑफर ये गाड़ी कर देती है। वेल उसी के साथ में यहाँ पर अपोलो के टायर अपन को जो है देखने को मिल जाते हैं, मशीन कट टायर्स आपको इसके अंदर देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ बहुत सुंदर देखने में लगते हैं। 205/55 R16 इंच का पूरा प्रोफाइल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, फ्रंट के अंदर डिस्क है। उसी के साथ में यहाँ पर ORVM पे आपको इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं, और ORVM पे आपको जो है लेन असिस्ट वार्निंग भी देखने को मिल जाएगी, जैसे ADAS का एक फीचर है। बेसिकली कोई भी गाड़ी वगैरह आ रही होगी तो आपको यहाँ पर पता लग जाएगा कि भाई अब गाड़ी आ रही है, आप लेन चेंज अभी मत करो, रुक के कर लेना। बाकी उसी के साथ में यहाँ पर अगर अपन देखें तो 4535mm की आपको यहाँ पर लेंथ गाड़ी की देखने को मिल जाती है, ग्राउंड क्लियरेंस भी आपको जो है काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाती है 165mm की। वेल उसी के साथ में यहाँ पर 48 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको मिल जाती है, और समवेयर अराउंड
16 से 17 के बीच में माइलेज आप आराम से निकाल सकते हो। वहीं पर अगर आपकी गाड़ी ऑटोमेटिक है तो 14 से 15 के बीच में पेट्रोल के अंदर आपको आराम से गाड़ी माइलेज ऑफर कर देती है। वेल उसी के साथ में रियर टायर की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर आपको ड्रम देखने को मिल जाते हैं। अगर आप टर्बो वेरिएंट लोगे तो वहाँ पर आपको डिस्क ये गाड़ी ऑफर कर देती है। वेल उसी के साथ में यहाँ पर अगर रिक्वेस्ट सेंसर की बात करें तो आपको को ड्राइवर साइड में रिक्वेस्ट सेंसर देखने को नहीं मिलता है। वेल उसी के साथ अंदर चलेंगे, अंदर की भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक बार नज़र डाल लो शार्क फिन एंटीना पे, जो यहाँ पर बढ़िया लगता है देखने में, थोड़ा सा लुक इस गाड़ी का और ज़्यादा इन्हेंस कर देता है। सिल्वर कलर के ऊपर ब्लैक कलर का एंटीना बढ़िया देखने में लग जाता है। वेल उसी के साथ में बूट स्पेस की बात करें तो 528 लीटर की बूट स्पेस आपको इस गाड़ी में देखने को मिलती है और मैसिव बूट स्पेस है भाई, आराम से सामान वगैरह रख सकते हो। वरना के अंदर स्लाविया और वर्टिस से थोड़ा ज़्यादा आपको बूट स्पेस देखने को मिल जाता है, हालांकि 7-8 लीटर का ही फर्क पड़ता है, लेकिन फिर भी बाकी अपने पास यहाँ पर स्टेपनी हो गई जो अपना स्टील रिम हो गया। बाकी आइसोलेशन की बात करें तो प्रॉपरली पूरी गाड़ी के अंदर आपको आइसोलेशन देखने को इधर मिल जाता है, इधर भी आपको आइसोलेशन मिल जाएगा, इधर आपको हाई स्टॉप लैंप और अपना डिफॉगर मिल जाते हैं। बाकी उसी के साथ वरना की बैजिंग हो गई, रियर के अंदर भी जो आपकी लाइट है वो आपको कनेक्टेड मिल जाती है, इधर आपके पास कैमरा मिल जाता है, SX की बैजिंग मिल जाती है, चारों पार्किंग सेंसर्स आपको मिल जाते हैं और उसी के साथ यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर्स और ऐसे कुछ पियानो फिनिश के अंदर ब्लैक डिज़ाइन मिल जाती है जो देखने में काफ़ी सुंदर लगती है। वेल यहाँ पर हेलोजन आपको इंडिकेटर और बैक लैंप मिल जाते हैं, बाकी पूरी आपको यहाँ पर LED लाइट देखने को मिलती है। वेल अंदर चलते हैं, गाड़ी के अंदर से बात करते हैं, रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ पर मिल ही रहा है और उसी के साथ में जो इसका डैशबोर्ड का लेआउट है बहुत ही बढ़िया सुंदर बेहतरीन देखने को मिलता है, मतलब जितनी तारीफ करो सब जितनी तारीफ करो उतनी कम है भाई साहब इस लुक के लिए, इस डैशबोर्ड के डिज़ाइन के लिए। मतलब आप डिज़ाइन देखो यहाँ से ऐसे आता हुआ डेडिकेटेड डिज़ाइन जो डैशबोर्ड की है वो इधर की तरफ टिंटेड हो जाती है जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं। वेल ड्राइवर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ ना तो काफ़ी बढ़िया लेआउट आपको इधर देखने को मिल जाता है, जो टिंटेड आपको स्क्रीन मिल जाती है, वहाँ पर आपको को पैसेंजर के लिए बढ़िया डेडिकेटेड पार्ट इधर देखने को मिल जाता है, या फिर अगर अपन बात करें तो ये एम्बिएंट लाइट ले लो, यहाँ पर एम्बिएंट लाइट ले लो, बहुत सारा कलर ऑप्शन आपको एम्बिएंट लाइट में मिलता है, वो तो एक बात अलग ही है। यहाँ पर आपको रियर पैसेंजर्स के सीट बेल्ट की वॉन्डिंग मिल जाती है और भी मतलब कई चीज़ें गाड़ी में ऐसी देखने को मिलती है ओवरऑल जो देखने में काफ़ी बढ़िया लगती है, जैसे AC के वेंट्स जो आप देख पा रहे हो काफ़ी बढ़िया और प्रैक्टिकल लगते हैं, काफ़ी बढ़िया एयर फ्लो इसके अंदर मिल जाता है, वहाँ पर अगर अपन बात करें तो उधर भी बढ़िया एयर फ्लो आपको मिल जाता है। आपको ग्लोव बॉक्स की जो है स्पेस काफ़ी बढ़िया मिल जाती है, कूल्ड ग्लोव बॉक्स आपको इस गाड़ी में मिल जाता है। बॉटल होल्डर देखो कितना ज़्यादा प्रैक्टिकल दिया गया है, एक बॉटल आप रख सकते हो इधर, एक बॉटल रख सकते हो इधर, उसी के बाद में यहाँ पर भी आपको एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाती है। वाइट ट्रीटमेंट आपको इधर मिल जाता है, जो अपने नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है IVT ले लो, और DCT लेने जाओगे या फिर टर्बो चार्ज इंजन लोगे तो वहाँ पर आपको ब्लैक पूरी थीम देखने को मिलने वाली है, यानी कि डुअल थीम आपको देखने को मिलती है दोनों गाड़ियों के हिसाब से, जो भी स्पेशलाइज्ड जो है मतलब फील देना है कंपनी को वो वाला फील आपको जो है उसके अंदर देखने को मिल जाता है। बाकी अपने पास ऐसी कुछ डिस्प्ले मिल जाती है जो अपन ने वेन्यू एक्स्ट्रा वगैरह सब में देखिए, वरना मैं थोड़ा सा और प्रीमियम कर सकते थे, जो पुरानी वाली डिस्प्ले थी वो भी काफ़ी बढ़िया लगती थी देखने में। ADAS लेवल 2 आपको इस गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाता है, पैडल शिफ्टर्स आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं, इधर वाइपर के कंट्रोल्स अपने हो गए, इधर हेडलाइट्स के कंट्रोल अपने हो गए, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स आपको इसमें मिल जाते हैं। तो यहाँ पर अगर AC यूनिट की बात करें तो काफ़ी बढ़िया AC यूनिट आपको मिल जाती है, सेंसिटिव टच आपको इसके अंदर मिल जाते हैं, दो मैनुअल नॉब मिल जाते हैं, एक टेम्परेचर का, एक आपको फैन स्पीड का बताने का, बाकी ऑफ करना हो तो डायरेक्टली यहाँ से भी ऑफ कर सकते हैं, ऑटोमेटिक बटन आपको इधर मिल जाता है। वेल इसी के साथ में AC की यूनिट से अगर आपको कन्वर्ट करना हो तो यहाँ पर ये मीडिया की यूनिट भी साथ ही साथ बन जाती है, क्योंकि स्पेस सेविंग का कहीं ना कहीं Hyundai ने यहाँ पर काम करा है, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया भी लगा है, स्मार्ट वर्क इसको अपन कह सकते हैं। और अब जो है यहाँ से आपका जो फैन स्पीड है और टेम्परेचर है वो सेट नहीं होगा, आपको वापस से बटन दबाना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पर जो है ये चीज़ सेट होने वाली है, काफ़ी बढ़िया देखने लगता है। यहाँ पर सेंसर आपको मिल जाता है टेम्परेचर का, गाड़ी के अंदर बताने वाला जो टेम्परेचर वगैरह है जिससे ये AC वगैरह काम करता है। बाकी आपको डिस्प्ले इधर मिल जाती है, अगर डिस्प्ले में आपको दिखाऊं तो काफ़ी स्मूथ है, बहुत सारे ऑप्शंस आपको इसके अंदर मिल जाते हैं, ब्लू लिंक वगैरह मिल जाता है, वैले मोड वगैरह आप कर सकते हो, व्हाइट मोड मिल जाता है, और भी काफ़ी चीज़ें आपको इसके अंदर देखने को जो है मिल जाती है। वॉइस मेमो आप रिकॉर्ड कर सकते हो, कैबिन के अंदर जो भी बातें हो रही है वहाँ पर आपको जो है रिकॉर्ड होती रहेगी, पता लगता रहेगा, जब तक गाड़ी स्टार्ट है, गाड़ी बंद कर दोगे तो वो मेमो भी जो है बंद हो जाएगा और ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। बाकी यहाँ पर कूलिंग फंक्शन तो अपन को सीट में मिलता ही था, वेंटिलेशन, बाकी आपको हीटेड सीट का फंक्शन भी इसके अंदर देखने को मिल गया, जो कि इतनी ज़्यादा इसकी ज़रूरत थी नहीं वैसे बाय द वे इंडिया के क्लाइमेट के हिसाब से, बट चलो फिर भी दे दिया तो बहुत अच्छी बात है, अप्रिशिएट करने वाली चीज़ आपको ये देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको स्मार्टफोन का चार्जर देखने को मिल जाता है, जो कि वायरलेस फोन आपका चार्ज कर सकता है, सी टाइप चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, USB पोर्ट आपको मिल जाता है, और ऐसे कुछ आपको गेयर नॉब इसके अंदर देखने को मिल जाता है जो कि IVT अपना हो जाता है, काफ़ी बढ़िया स्मार्ट देखने में लगता है। इसी के साथ जब फिर आ जाता है ना भाई साहब, इसको अपन ड्राइव मोड पर करके और फिर जब पैडल शिफ्टर से शिफ्टिंग करते हैं बढ़िया देखने में लगता है। हालांकि स्टीयरिंग व्हील जो है आपका यहाँ पर वो पूरा राउंड आपको देखने को मिलता है, कोई भी फ्लैट बॉटम नहीं मिलता, तो देखा जाए तो i20 वगैरह में फ्लैट बॉटम दे रहे हैं भाई, पर इसके अंदर नहीं दिया तो खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसमें टाइम वाली बात है, फील वाली बात है। बाकी ऐसे कुछ आपको यहाँ पर हॉर्न देखने को मिल जाता है, 48 डिग्री टेम्परेचर भाई साहब अभी आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर, इतनी गर्मी के अंदर फोन बार बार बंद हो रहे हैं, आप सोचो कितना कट लगाने पड़ रहा है वीडियो के अंदर। बाकी अपने पास यहाँ पर ऐसे कुछ ग्लोव बॉक्स मिल जाता है, दो बॉटल होल्डर मिल जाते हैं, और अपने पास इधर ऑटो डिमिंग IRVM
देखने को मिल जाता है। इनफैक्ट अंदर से अगर क्वालिटी की बात करूँ ना तो भाई बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी आपको इस गाड़ी की देखने को मिलती है इन कंपेयर टू अपनी अगर वर्टिस और स्लाविया से कंपेयर करें तो उससे तो बहुत ज़्यादा बढ़िया आपको क्वालिटी इसकी देखने को मिलती है। हालांकि ये लेदर पार्ट आपको देखने को मिल जाता है, ये स्टिचिंग आपको फेक इसके अंदर देखने को मिल जाएगी, रियर और फ्रंटली डिफॉगर मिल जाता है, हैंडब्रेक आपको ऐसे कुछ देखने को मिल जाता है। बाकी भाई साहब जो फील है इस गाड़ी का नेक्स्ट लेवल है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक आपको हैंडब्रेक भी देखने को मिलता है जब टर्बो वाला वेरिएंट आप लेकर जाते हो। बोस की आपको ब्रांडिंग इधर देखने को मिल जाएगी, बोस का म्यूजिक सिस्टम आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है, काफ़ी काबिले तारीफ है। वेल आगे से बहुत सारी बात हो चुकी है, सनरूफ आपको दिखा दूँ तो ऐसे कुछ सनरूफ आपको इसमें मिल रही है। यहाँ पर पुश बटन स्टार्ट है, इसको बंद करके गाड़ी कर लेता हूं। वेल उसी के साथ में वाइट करके आपको एलईडी जिसके अंदर मिल जाती है, ऐसे कुछ आपको मिरर इधर मिल रहा है और ऐसे कुछ मिरर आपको इधर देखने को मिल रहा है। अब रियर के अंदर लेकर चलूं तो 3, 2, 1 ओके। तो गाड़ी के रियर सीट्स की अगर अपन बात करें तो भाई आपको काफ़ी बढ़िया स्पेस इसके अंदर देखने को मिल जाती है। इनफैक्ट अगर सीटिंग कंफर्ट वगैरह की बात करें तो सीट्स काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, काफ़ी ज़्यादा रूमी आपको इस गाड़ी के अंदर फील होने वाला है। रियर इसी वेंट्स आपको मिल जाते हैं और दो आपको सीट है चार्जिंग पोर्ट्स के अंदर देखने को मिल जाते हैं। वेल उसी के साथ में बोस की ब्रांडिंग ज़रूर मिल जाएगी आपको कि भैया पता लगना चाहिए ना बोस की म्यूजिक सिस्टम है। हालांकि बोस की ब्रांडिंग नहीं भी होती तो भी जो ह्यूंडई के नॉर्मल स्पीकर्स भी आते हैं वो भी बहुत ही बढ़िया क्लियर आपको देखने को मिलते हैं, काफ़ी बढ़िया ट्यूनिंग उसकी देखने को मिल जाती है। तो ओवरऑल काफ़ी बढ़िया सेटअप आपको म्यूजिक का तो इसके अंदर देखने को मिलता ही है। बाकी ऐसा कुछ थी अपनी ह्यूंडई की वरना जो कंपीट करती है स्लाविया और वर्टिस से, कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कराओ तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में इतना ही था। यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख ली हो तो कर लीजिएगा इस वीडियो को लाइक, कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे किसी ऐसी वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित चलिए। हालांकि एम्बिएंट लाइट कोई भी आपको पीछे की तरफ देखने को नहीं मिलती, आगे आपको देखने को मिलती है। तो एम्बिएंट लाइट वाले आगे, एम्बिएंट लाइट वाले मज़े आपको आगे देखने को मिलते हैं। धन्यवाद।